ओके बेटा आई एम जस्ट ट्राइंग टू बस मेरे से अंदर मामा ओके एवरीवन जस्ट मेट योर माइंड एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज़ आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड इट सो टेक अ क्विक रिवीजन इन दिस चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज हमने इसमें ओके सो पंचायती राज दिस इज आवर टॉपिक और अगर मैं कहूँ कि आपने इस चैप्टर से क्या क्या समझा तो आपको क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में पंचायती राज का मतलब पंचायती राज इज अ काइंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट हमारे 3 गवर्नमेंट है और देखो ध्यान से एक है सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी है जो गवर्नमेंट है उसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट और जो तीसरी गवर्नमेंट है उसका नाम है लोकल गवर्नमेंट और यही तीनों मिलके पूरे देश को चलाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं पीएम और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं यानी उनकी जो कैबिनेट टीम होती है स्टेट गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं सीएम होते हैं और उनकी जो कैबिनेट होती है वो डील करती है लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पर पंचायती राज होता है आप क्वेश्चन ये कि ये लोकल गवर्नमेंट क्या है ये तीनों समझ के देश कैसे रन करता है ये गवर्नमेंट चलाती है अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या है तो देखो ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसमें 3 चीजें आती हैं इसको ध्यान से समझना फर्स्ट लेवल पे आता है विलेज सेकेंड नंबर पे आता है ब्लॉक एंड ऑन द थर्ड नंबर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट दैट इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इट इज डिस्ट्रिक्ट करके बनता है पंचायती राज क्लियर हो गया इन्हीं तीनों को मिला के बनता है लोकल गवर्नमेंट नॉट पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट तो देखो बेटा जब लोकल गवर्नमेंट में ये 3 मेन लेवल होते हैं फर्स्ट पे विलेज सेकंड पे ब्लॉक एंड थर्ड पे डिस्ट्रिक्ट अब जो विलेज लेवल है क्योंकि हम क्लास 6 में जो हम गवर्नमेंट पढ़ेंगे दैट इज विलेज गवर्नमेंट एंड इन दिस विलेज गवर्नमेंट इट इज पंचायती राज हु गवर्न द विलेज क्लास 7th में जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे ब्लॉक आप पढ़ेंगे स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट को और जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 8th में तो आप सेंट्रल लेवल पे पढ़ेंगे तो पंचायती राज में हम यहाँ पे क्या क्या देखे हैं इस पिक्चर को हमने समझा है कि किस तरह से ये जो 5 लोग बैठे हैं जिनको हम पंच कहते हैं और इस पंच में जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सरपंच और बाकी जो लोग होते हैं जो बाकी जो ये जो 4 लोग होते हैं ये कौन कहलाते हैं ये 5ों को मिलकर कहा जाता है पंच क्लियर सरपंच और पंच और जो मेंबर ऑफ द पीपल ऑफ द मेंबर द पीपल ऑफ द विलेज एडल्ट पीपल ऑफ द विलेज इज नोन एज ग्राम सभा ठीक है ग्राम सभा अब देखो कि जो ये ग्राम सभा है जो ये सरपंच और पंच है सरपंच और पंच दोनों को मिला के बनता है ग्राम पंचायत सरपंच इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पंच ग्राम पंचायत मिलके बनता है सरपंच और पंच
से और ग्राम सभा मिलके बनती है एडल्ट पीपल ऑफ द विलेज, एडल्ट पीपल ऑफ द मास। हाँ मास पांच में बस मास पांच ही लोग होते हैं, मैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। नहीं पांच ही लोग होते हैं विलेज के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ये जो है ये कम भी हो सकता है, ठीक है। ये विलेज गांव जितना बड़ा होगा ये पांच ही होंगे, पांच ही होते हैं, पांच ही होते हैं। कुछ कुछ गांव में हो सकता है पांच से ज्यादा हो, लेकिन ज्यादातर ये पांच ही होते हैं, ठीक है। अगर गांव छोटा है तो दूसरे गांव को मिला करके, लोगों को मिला करके पंच बनाए जाते हैं। तो हमने देखा था कि जो ग्राम सभा है, क्योंकि सबसे पहली हेडिंग है, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बेटे आपने चैप्टर तो पढ़ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम सभा, क्या बताओगे कि ग्राम सभा इज द एडल्ट इज द मीटिंग ऑफ द एडल्ट पीपल ऑफ द विलेज, ठीक है, मीटिंग ऑफ द एडल्ट पीपल ऑफ द विलेज। अब बस इतना है। अब फिर ग्राम सभा तो हो गई, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशंस कैसे होते हैं, या तो विलेज के कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना है। डिस्कशन दो बात पे हो सकता है, एक या तो विलेज की प्रॉब्लम पे, या फिर दूसरा डेवलपमेंट पे, ठीक है। इन्हीं दोनों पे डिस्कशन होता है गांव में, जो पंच बैठती है ग्राम सभा लगती है उसके। तो जो एक हरदास विलेज था तो उसमें जो डिस्कशन हो रहा था, सबसे पहले वो रोड रिपेयरिंग की बात कर रहे थे, एक प्लान प्रेजेंट कर रहे थे कि हमारे गांव की जो रोड है वो मेन हाईवे से कैसे कनेक्ट हो। और फिर इसके बाद उन्होंने जो दूसरे मुद्दे पे बात किया वो था वाटर शॉर्टेज के बारे में, कि हमारे देश हमारे जो गांव में पानी की शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है, वो कैसे सही की जाएगी। तो ग्राम सभा में इन बातों पर डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आप आगे देखेंगे, नीचे आप यहाँ पे आए कि इस बॉक्स में आपको लिखा गया है एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड। मैंने आपको बताया था वार्ड क्या है, तो हर गांव गांव को कुछ छोटे छोटे स्मॉल एरिया में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और उसी स्मॉल एरिया को वार्ड कहा जाता है, वार्ड वन, वार्ड टू, वार्ड थ्री। और ये डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि इलेक्शन होगा ना, पंचायत का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, अब वही इलेक्शन जो है अब यही अपने अपने वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, जो लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। और इन्हीं वार्ड मेंबर्स को कहा जाता है पंच, जो जीत के आते हैं यही लोग पंच कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वार्ड की कहानी। अब आगे क्या है कि जो डिस्कशन हो रहा था हरदास विलेज में, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। एवरी ईयर द ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन। देन द अदर मेंबर ऑफ द ग्राम सभा दैट वाज अनवर अनवर सेज दैट कि व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द प्रोग्राम ऑफ कंजर्विंग वाटर। हम क्यों नहीं अपने गांव में वाटर को कंजर्व करना शुरू करें, क्योंकि महाराष्ट्र के एक गांव में जहां उसका भाई रहता था, उस गांव में ऐसे प्लान चलाए जा रहे थे, तो वो भी अपने विलेज ग्राम सभा के लिए ये सजेशन दे रहा था कि व्हाई वी आर नॉट स्टार्टिंग वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या था कि यहाँ पे प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स, टैंक्स, ये सब लगा करके वाटर को कंजर्व करने का तरीका बताया था अनवर ने अपने गांव में ग्राम सभा में। अब क्वेश्चन है व्हाट इज ग्राम सभा, इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर गिवन बाय द पीपल ऑफ द ग्राम सभा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो ये प्रॉब्लम थी तो उसमें एक विलेजर था जिसका नाम था तीजिया। तीजिया ने कहा कि वाटर प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है हमारे गांव में, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि
हम जो है ग्राउंड को ड्रिल करना शुरू करें। मतलब अब वो कह रहा था कि पहली बार प्रॉब्लम ये है कि हमारे गांव में जो वुमेन है उनको 3 किलोमीटर दूर जाकर के रिवर से पानी लेके आना होता है। अब दूसरा जो था गांव का ग्राम सभा का जो दूसरा था मेंबर था विलेजर था उसने ये कहा कि ये तो किसी ने सजेस्ट किया कि हम क्या करते हैं पाइपिंग करते हैं पाइप लगाते हैं रिवर से लेकर के अपने घर की रिवर से लेके हम पानी अपने गांव तक लेके आएंगे और हम सब अपने अपने घर में ओवरहेड टैंक लगा लेंगे अपनी छतों पर टैंक लगा लेंगे और फिर उस पाइप से अपने छत तक कनेक्शन देंगे तो पाइप से पानी जो है वो सप्लाई होगा। तो किसी ने कहा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा खर्चीला है इट्स बेटर इससे अच्छा है कि वाई वी आर नॉट डिपिंग दी हैंडपम्प एंड क्लीन दी वेल क्यों क्यों ना जो हैंडपम्प है उसको डिप कर ले उसकी खुदाई कर ले गहरे में जाके और जो हमारे गांव में जो वेल्स हैं कुएँ हैं उसको क्लीन कर ले तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। फिर तो अब क्या हुआ कि ये सारे वो लोग प्रॉब्लम्स से बता रहे थे और सजेशंस भी दे रहे थे ठीक है। तो ये सारा तो ये मैटर तो सॉल्व हो गया वाटर सॉल्यूशन का लेकिन एक दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो था बीपीएल लिस्ट बनाना। बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन ग्राम सभा ने ऑर्डर किया था कि पंचायत ने ऑर्डर किया था कि इस गांव की एक बीपीएल लिस्ट तैयार होगी। अब जो लिस्ट बनी थी उस लिस्ट में नटवर का नाम आया था। नटवर के पास ऑलरेडी एक कलर टीवी थी ऑलरेडी न्यू मोटरसाइकिल थी फिर वो बीपीएल के लिस्ट में कैसे आ सकते हैं हाउ कैन ही बिलो द बीपीएल पॉवर्टी लाइन। एंड देयर इज अनदर वन हु इज सूरज वाल। अब जो गांव की ग्राम सभा के जो लोग हैं वो आपस में मर्जिंग कर रहे हैं ठीक है और वो ये कह रहे हैं कि उसका नाम कैसे आ गया वो तो नेटवर्क जो है वो तो इतना रिच है फिर बीपीएल में कैसे आ गया। एक बिरजू था बिरजू के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी फिर भी उसका नाम बीपीएल में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लिस्ट बनी हुई है ये लिस्ट तो पुअर पीपल के लिए बनना चाहिए और पुअर पीपल जैसे कि ओम प्रकाश अपने गांव का जो पुअर पीपल है वो तो ओम प्रकाश है वो लैंडलेस लेबर है वो मुश्किल से वो अपने बॉन्ड को जो उसकी ज़रूरत थी उसको बहुत ही मुश्किल से पूरा कर पाता था ये हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट और फिर भी उसका नाम जो है जो पुअर है उसका नाम है ही नहीं रिच लोगों का नाम है इस लिस्ट में। अब पूरे जो गांव के लोग थे विलेज पीपल दे स्टार्ट मर्जरिंग एंड विस्परिंग विद ईच अदर और वो एक दूसरे से बात करने लगे। तब उनमें से एक जो था वो उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा ठीक है वो उठ के खड़ा होता है और वो कहता है कि सरोज हाँ सरोज जो है वो उठ के खड़ा हो रहा और कहता है कि जो इस गांव में लिस्ट बनी है उसमें ओम प्रकाश को भी इस लिस्ट में ऐड करना चाहिए और उसने कहा कि तो बाकी लोगों ने भी एग्री किया कि हाँ हाँ ओम प्रकाश का नाम तो आना ही चाहिए बिकॉज ही एंड हिज फैमिली इज वेरी पुअर। देन सरपंच आस्क्ड कि व्हाई द ओम प्रकाश नेम हैज मिस्ड आउट फ्रॉम द लिस्ट कि ओम प्रकाश का नाम किस लिस्ट से चला गया। अब इन्होंने जिनको सर्वे के लिए भेजा था तो ये सर्वे ये घर घर जाके बीपीएल की लिस्ट बना रहे थे। अब एक जो सर्वे के लिए गए हुए थे उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश के घर पे हम जब गए थे तो हिज हाउस वाज लॉक्ड एंड ही हैड गॉन समवेयर। तो सरपंच ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाइए और उसके घर में पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन लीजिए कि उसकी फैमिली इनकम कितनी है और फिर उसको आप बीपीएल अगर उसकी फैमिली इनकम कम है और वो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है तो आप उसको उसका नाम लिखिए बीपीएल में ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस है वॉज देयर अ प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम थी ग्राम सभा जो फाइनलाइज कर रहे थे क्या प्रॉब्लम थी व्हाई डू यू थिंक सूरज सर केप्ट क्वाइट।
सूरज पर चुप क्यों था जब उसको कहा जा रहा था बोलने के लिए? तो यही स्टोरी मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप रीड करके आएंगे। हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट? क्या आपने गांव में कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट देखा है आपने? ठीक है, नो मैम। हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक? कैसे ग्राम सभा पंचायत को रोक सकती है कुछ भी गलत करने से? जब ग्राम सभा के लोगों ने आपस में बेटा जस्ट अ मिनट ग्राम सभा के लोगों ने आपस में जब बात करना शुरू किया तो सरपंच को लग गया कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। और फिर क्या होता है कि उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने फिर से ऑर्डर किया कि जाके दोबारा सर्वे करो उसके घर की, दोबारा रिपोर्ट लेके आओ। अब क्या था, ग्राम पंचायत में हमने क्या देखा था कि ग्राम पंचायत में कुछ कुछ ऐसी ग्राम पंचायत होती हैं जिसमें कुछ स्टेट्स में जो वो कुछ कमिटीज बना लेती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज वो बना लेती हैं। और इस कमिटी में गांव के भी लोग हो सकते हैं, ग्राम सभा के भी लोग हो सकते हैं, पंचायत के भी लोग हो सकते हैं। ग्राम सभा में जो इम्पोर्टेंट, जैसे ये जो लेडी हैं इनको एक अवार्ड मिला था निर्मल ग्राम पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया था अपने पंचायत में। ठीक है
बता रही हूँ मीनिंग ऑफ परिसर। परिसर जैसे मान लो कि सबसे पहले विलेज होता है, तो विलेज में तो पंचायती राज हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो इससे ऊपर जो होता है वो होता है ब्लॉक। तो ब्लॉक में कौन होता है? ब्लॉक में होती है ये आपकी ब्लॉक वाले को कहते हैं पंचायत कमेटी। एक मिनट रुको, इसको पंचायत परिषद कहते हैं। एक मिनट रुको, पंचायत समिति। पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक लेवल पे होती है। देखो अलग अलग स्टेट्स में ब्लॉक लेवल पे अलग अलग नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। पंचायत समिति कहते हैं एक बार लर्न कर लो। और जो डिस्ट्रिक्ट में होती है उसको कहते हैं जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट में कौन करता है? जिला परिषद। अब समझ लेना कि कहाँ पे कौन टीम काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। दिस इज द थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। Yeah.